बनूंगा मैं, तुम मुझको हक तक रोको। मेरी कविता उनके ऊपर है जो देश के प्रति सेना में बैठे सैनिक ने एक अपने भाव व्यक्त किए, उसका मैं इस देश का वासी हूँ। हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर चुकाऊंगा, जीने का दम रखता हूँ, मार भी दिखाऊंगा। नजर उठाकर न देखना ए दुश्मन मेरे देश को, मरूंगा मैं जरूर पर तुझे मार कर ही जाऊंगा, मरूंगा मैं जरूर पर। लड़की हो लाचार बेचारी हो, बस यही जवाब दूंगे, लड़की हो लाचार हो। कैसे कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जमी में ये मेरा वतन है, ए मेरे देश के नौजवानों, अब आंसू न बहाओ तुम, अब आंसू न बहाओ तुम। कतरा कतरा बहा दूंगा, इस दिल से आवाज आती है। ये बीएड कॉलेज महिला आश्रम का बीएड कॉलेज की प्रवृत्ति है, जिसमें बीएड और बीए बीएड की छात्राएं हैं। इसमें साहित्यिक प्रतियोगिताएं चल रही हैं, इसमें आज कविता पाठ की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। लगभग 40 लड़कियां इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। कविताओं का प्रस्तुतिकरण बहुत स्तर का है और इससे इन छात्राओं के साहित्यिक रुचियों का पता चल रहा है। आज चूँकि अभी प्रतियोगिता चल ही रही है और लंबे समय तक चलेगी, आज इसी इस प्रतियोगिता के साथ 17 तारीख को हमारे महिला आश्रम संस्थान में प्रेरणा दिवस का बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें रक्त शिविर का भी आयोजन किया गया था। उस रक्त शिविर में बीएड और बीए बीएड की लगभग 20 छात्राओं ने रक्तदान दिया था। इसी कार्यक्रम के दौरान उन सभी छात्राओं को भी पुरस्कार प्रमाण पत्र देकर और प्रोत्साहित किया गया। और इस साहित्यिक प्रतियोगिता सप्ताह में इससे पूर्व में निबंध प्रतियोगिता, आशुभाषण प्रतियोगिता, श्रुतलेख और काव्य पाठ और हो चुकी हैं प्रतियोगिताएं, और आगे भी अगले 2 दिनों में वाद विवाद और अन्य प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी। नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनिमा पुरोहित, इस कॉलेज की प्राचार्य हूँ।